फिल्मकार और अभिनेत्री दिव्या घोसला कुमार ने कहा कि लघु फिल्मों को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। वह टी सीरीज की लघु फिल्म बुलबुल में नजर आएंगी। बुलबुल 25 मिनट की एक फिल्म है जिसकी शूटिंग ज्यादातर शिमला में ही हुई है। इसका निर्देशन आशीष पांडे ने किया है। इस फिल्म को दिवंगत फिल्मकार कुंदन शाह ने लिखा है। इससे पहले दिव्या सनम रे और यारियां जैसी फिल्मों का निर्देशन कर चुकी हैं। इन फिल्मों की कहानी और गाने को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया है। हाल ही में दिव्या ने फिल्म के अपने किरदार के बारे में बताते हुए कहा, सो बुलबुल कल रिलीज हो रही है 7th को एंड एक शॉर्ट फिल्म है एंड कुंदन शाह जी ने लिखी है, तो उनका एक इट्स हिज लास्ट पीस ऑफ वर्क यू नो, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली पास्ड अवे इन अक्टूबर व्हेन वी वर शूटिंग एंड फेब्रुअरी ऑनवर्ड्स वी बीन वर्किंग फॉर विद हिम ऑन द स्क्रिप्ट। और इट्स अ कॉमिक फिल्म, एक फ्री स्पिरिटेड लड़की की कहानी है जो कि अपने लवर को वू करने के लिए, प्यार को पाने के लिए, और उसके साथ क्या क्या फनी इंसिडेंसेस होते हैं। सो दैट्स द व्हाट द फिल्म इज़ अबाउट। इट वॉज कम्प्लीटली अ न्यू थिंग फॉर मी बिकॉज बहुत सारे किरदार बुलबुल निभाती है। कथक डांसर का रोल है, एक सरदार का रोल है, एक ब्लॉन्ड विग पहन के ड्रेसअप होती है। सो आई फाउंड द कैरेक्टर वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड कम्प्लीटली अनलाइक मी, बिकॉज मैं जो मैं रियल लाइफ में हूँ वैसी बिल्कुल भी, आई थिंक बुलबुल कम्प्लीटली डिफरेंट है मुझसे, बिकॉज बहुत ही बबली और फ्री स्पिरिटेड लड़की है। सो आई थिंक दैट चैलेंज यू नो रियली हेल्प्ड, लाइक चैलेंज वॉज अ मोटिवेशनल फैक्टर फॉर मी टू टेक अप द रोल। दिव्या ने अपनी शॉर्ट फिल्म के शुभारंभ के मौके पर अपनी फिल्म यारियां और सनमरे के सीक्वल के बारे में बात की और कहा, यारियों की और सनमरे दोनों की सीक्वल्स की मुझे बहुत डिमांड आती है, बट आई थिंक जब तक राइट सब्जेक्ट नहीं मिलता तब तक सीक्वल नहीं प्लान कर सकते। स्क्रिप्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट।